Hey guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh. जैसा कि आपको पता है कि Smart Learning Academy initiative के तौर पे SLA test series live solutions लेके आया है, जहाँ पे most difficult या most complex queries जो होते हैं, जो problems होते हैं, उनका live solutions हम deal कर रहे हैं YouTube इस initiative में। तो इसका पहला जो सेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हमने यूनिट वन के टॉप PYQs को डिस्कस किया, टॉप टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, नॉट PYQs। और यहाँ पे हम यूनिट नंबर टू के टॉप क्वेश्चंस, जो कि SLA टेस्ट सीरीज के एक्सक्लूसिवली डिजाइंड है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज का स्ट्रक्चर है, जो कि मैं एट द एंड ऑफ वीडियो भी डिस्कस करूंगा डिटेल में। सो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। द कॉस्ट इज नॉट वेरी मच, लाइक फॉर द 1900 क्वेश्चंस द कॉस्ट इज 2500 ओनली, ठीक है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर लो, इट्स अप टू योर चॉइस। दैट कोर्स, दैट टेस्ट सीरीज विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन। वो आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देख के आपको खुद पता चल जाएगा कि ये टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलते हैं वो अप टू द मार्क है या नहीं है। चलिए, सो ये रहा पहला क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इस तरीके के क्वेश्चन CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से आते रहते हैं। टू टेस्ट वेदर द बैक्टीरिया विद इनहांस्ड फिनॉल डिग्रेडेशन एबिलिटीज could be created for the 37 degree centigrade environment, a phenol degradating plasmid POL form from a cyclophilic bacterial strain. Cyclophilic का मतलब है जो कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि ठंडे जगह पर रहने वाले हों। सो क्या है कि एक बैक्टीरिया को फिनॉल डिग्रेडेशन एबिलिटी को चेक करना चाह रहे थे हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड एनवायरमेंट पे। फिनॉल डिग्रेडेटिंग प्लाज्मिड POL दैट फ्रॉम द साइक्रोफिलिक बैक्टीरियल स्ट्रेन, ठीक है। क्या किया हमने कि साइक्रोफिलिक बैक्टीरियल स्ट्रेन से इस फिनॉल डिग्रेडेटिंग बैक्टीरिया को लिया, बैक्टीरियल स्ट्रेन, व्हेन ट्रांसफर टू द कॉन्जुगेशन इन फैकल्टेटिव मेसोफाइल। इसको हमने ट्रांसफर किया कॉन्जुगेशन में एक फैकल्टेटिव मेसोफाइल। मेसोफाइल का मतलब जो एवरेज टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। द मेसोफाइल वॉज एबल टू डिग्रेड टोलुइन बट नॉट फिनॉल। मीजोफाइल जो है वो टोलुइन को डिग्रेड करते हैं लेकिन फिनॉल को डिग्रेड नहीं करते, और साइक्रोफाइल जो है वो आपके फिनॉल को डिग्रेड करते हैं, टोलुइन को नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, देखो, द रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन कैरीड द इंट्रोड्यूस्ड POL प्लाज्मिड एंड इट्स ओन TOL प्लाज्मिड, मतलब जो टोलुइन को डिग्रेड कर रहे हैं। द रिजल्ट आर एज फॉलोज, आइडेंटिफाई ABCXY। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा साइक्रोफाइल है, क्या ट्रांसफॉर्मेंट है, क्या सारी चीजें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे आप, डील करने के लिए आपको करना क्या है कि जो जिसके पास जो साइक्रोफाइल है, जो साइक्रोफाइल है ये किसको कर रहा था, फिनॉल को, फिनॉल को कर रहा था। साइक्रोफाइल फिनॉल को डिग्रेड कर रहा था, मतलब फिर साइक्रोफाइल जो है वो जीरो डिग्री टेम्परेचर पे ग्रो करने वाला होगा या लेस देन जीरो डिग्री पे होगा या नियर अबाउट जीरो डिग्री पे होगा। कहने का मतलब है लो टेम्परेचर पे ग्रो करने वाला फिनॉल होगा, और जो 37 के आसपास ग्रो करने वाला होगा वो जो होगा वो मीजोफाइल होगा, और ये किसको डिग्रेड करेगा, टोलुइन को। और जो रिकॉम्बिनेंट होगा, जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो दोनों को डिग्रेड करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास पॉल प्लाज्मिड भी है और टॉल प्लाज्मिड भी है, दोनों प्लाज्मिड है तो दोनों को डिग्रेड करेगा। सो इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सी देखो, एक्स वाई ये रहा, ठीक है, एक्स वाई के बारे में बात करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन है एक्स। जैसा कि एक्स को पहले पता करेंगे कि देखो ये है 25 और 37 डिग्री पे ग्रो करने वाला, यानी कि ए जो है 37 और 25 पे ग्रो कर रहा है एक्स के केस में, यानी कि आप इसको क्या बोलोगे, ये मीजोफाइल है जो कि इस टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है। ए जो है मीजोफाइल होगा क्योंकि इस टेम्परेचर पे ग्रो करने वाला है, तो ए मस्ट बी मीजोफाइल, मीजोफाइल। एंड अगर उसके अलावा बात करोगे आप, सो एक्स क्या होना चाहिए, टोलुइन होना चाहिए, क्योंकि मीजोफाइल जो था, मीजोफाइल ही आपका टोलुइन डिग्रेड कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये सी भी तो हो सकता है, वो भी तो एक्स में आ रहा है, लेकिन एक्स सी इज नॉट एग्जैक्टली मीजोफाइल,
ठीक है, नॉट एग्जैक्टली मिसोफाइल, ये समझने की कोशिश करना। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा सी वाले पॉइंट को, पहले ये समझो, ए अकेला आ रहा है एक्स में, वाई में नहीं आ रहा है। ए अकेला आ रहा है एक्स में, वाई में नहीं आ रहा है, मतलब ए जो है वो सिर्फ एक्स को डिग्रेड कर रहा है और इस टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है। एक्स मस्ट बी द टोलुइन, एक्स मस्ट बी द टोलुइन एंड एक्स मस्ट ए मस्ट बी द मेसोफाइल। आ गया आंसर, इतने से ही आंसर कर सकते थे। आगे और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, आगे और समझने की कोशिश करना कि अब देखो, ए अकेला जो है आ रहा है एक्स में, बी अकेला आ रहा है वाई में, ठीक है, और सी जो है एक्स और वाई दोनों को डिग्रेड कर रहा है। मतलब सी जो होगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि वो टोलुइन और फिनॉल दोनों को डिग्रेड कर रहा है, और ए जो है एक्स को कर रहा है और ये इस टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है, मतलब ये मेसोफाइल है, और बी देखो कि लोअर टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है, दैट इज अ वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइक्रोफाइल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को डील करने का यही तरीका था, आपको समझना था कि ट्रांसफॉर्मेंट में जाएगा तो क्या डिग्रेड करेगा, क्या नहीं डिग्रेड करेगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया है तो प्लीज जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इन ई कोलाई द रिसेसिव सी डी आर एंड डोमिनेटिंग सी डी डी सी डी सी डी, ठीक है, म्यूटेंट हैव अपोजिट फिनोटाइप, दोनों का अपोजिट फिनोटाइप है। सी डी सी आर हैविंग एबनॉर्मली स्मॉल सेल्स एंड सी डी सी डी हैविंग द एबनॉर्मली लार्ज सेल्स। अब ये सवाल उठता है कि ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। हमेशा याद रखना कि जो भी एबनॉर्मली बात करते हैं, सेल लार्ज वो होता है जो डिवाइड नहीं करता, और स्मॉल वो होता है जो डिवाइड करता है। बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर सेल डिवाइड कर रहा है, अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल होगा। अगर सेल नॉट डिवाइड कर रहा है, अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो हो जाएगा लार्ज। इसको देखोगे कि एबनॉर्मली लार्ज सेल किसके पास है, सी डी सी डी के पास, और आर के पास क्या था, सी डी सी आर के पास जो था वो था एबनॉर्मली, ठीक है, एबनॉर्मली स्मॉल, यानी कि डिवाइडिंग कौन होगा, डिवाइडिंग कौन होगा, डिवाइडिंग जो होगा वो आर होगा, आर जो है वो डिवाइडिंग है एंड जो डी है वो नॉट डिवाइडिंग है। सो अब देखने की कोशिश करो कि सी डी सी आर हैज अ फॉस्फेट एट टायरोसिन परमानेंटली अटैच्ड, ठीक है, सी डी सी आर के पास एक फॉस्फेट है जो टायरोसिन पे परमानेंटली अटैच्ड है। अब ये जवाब उठता है कि टायरोसिन जब हम बात करते हैं, टायरोसिन थ्रियोनिन अगर किसी को याद आ रहा हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहे थे हम, इस क्वेश्चन में ये बात कर रहे थे कि जो आपके सी डी सी आर, ठीक है, सी डी सी आर जब हम देख रहे थे यहाँ पे, तो सी डी सी आर के पास क्या था, स्मॉल सेल, मतलब कि ये क्या था, ये डिवाइडिंग सेल था। अगर ये डिवाइडिंग सेल है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर ये डिवाइडिंग सेल है तो हम इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये वी वन से इंटरेक्ट कर रहा हो क्या, क्या कोई भी सेल अगर डिवाइड करता है तो वो V1 से इंटरेक्ट करता है, नहीं, V1 किसी भी सेल के डिवीजन को इनहिबिट करता है, ठीक है, V1 किसी भी सेल के डिवीजन को इनहिबिट करता है, और CDC 25 जो होता है वो CDC 25, V1 एक काइनेज है, V1 इज वन काइनेज जो कि टायरोसिन पे फॉस्फोराइलेशन करता है, और CDC 25 एक फॉस्फेटेज है जो कि इस फॉस्फेट को रिमूव करके इस पर्टिकुलर CDK को एक्टिव करने का काम करता है। सो एग्जैक्टली अगर CDCR पे परमानेंटली टायरोसिन अटैच्ड होता तो ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होता। अगर आपको पाथवे याद आ रहा हो, मैं एक बार फिर से पाथवे आपको रिकॉल करा देता हूँ कि समझने की कोशिश करना। अगर कोई CDK है, CDK 1, जहाँ पे कि अगर इसको V1 से ट्रीट करोगे तो V1 से ट्रीट करते ही ये CDK 1 पे टायरोसिन पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन, जिससे ये इनएक्टिव हो जाएगा। अब इस इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए आता है CDC 25 फॉस्फेटेज, जो कि इस टायरोसिन से फॉस्फेट को हटा देगा और ये हो जाएगा एक्टिव। तो ये जो फॉर्म है कि यानी कि V1 इनहिबिट कर रहा था, CDC 25 एक्टिव कर रहा था, अगर ये परमानेंटली अटैच्ड होगा फॉस्फेट, दैट मींस इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो क्या डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, लेकिन ये तो बोल रहा है कि CDC R में डिवाइड होना चाहिए, क्या बोला, स्मॉल सेल है मतलब डिवाइड होना चाहिए, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट अगर आप देख पा रहे होगे तो ये पूरा का पूरा सरासर गलत है। नाउ
अब देखने की कोशिश करना, दूसरा बी स्टेटमेंट, सीडीसी डी हैज फॉस्फोराइटेड एट टायरोसिन परमानेंटली अटैच्ड। डेफिनेटली डी जो है नॉन डिवाइडिंग है, जब ये नॉन डिवाइडिंग है, लार्ज सेल का मतलब है नॉन डिवाइडिंग, मतलब परमानेंटली अटैच हो जा रहा है, तो बी सही है, ए गलत है। तो ए जहां जहां हटा दो, और ए जहां जहां हटा दो, और बी देखो ये और ये हो सकता था, सी और डी में आप चेक करेंगे। नाउ अब देखो कि जो काइनेज के साथ इंट्रैक्शन किसका हो रहा है, अगर सी डी सी आर का काइनेज, ये वी वन इज अ काइनेज, अगर इस काइनेज के साथ इंट्रैक्शन होगा तो ये इनएक्टिव जाएगा, अगर इंट्रैक्शन नहीं होगा तो एक्टिव जाएगा, मतलब डिवीजन होगा। तो इंट्रैक्शन किसका होना चाहिए था, इंट्रैक्शन सी डी सी आर का नहीं होना चाहिए था, सी डी सी डी का होना चाहिए था। तो सी डी सी आर हैज नो इंट्रैक्शन विद काइनेज, डेफिनेटली इसका इंट्रैक्शन अगर वी वन से होता तो ये परमानेंटली यहाँ पे अटैच कर देता, इनएक्टिव कर देता, तो सेल स्मॉल फॉर्म में डिवाइजन के फॉर्म में जाते ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी एंड सी, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। सो होप कि आपको मजा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते रहेंगे। ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ रिसर्चर फ्रॉम सीएसआईआर लैबोरेटरी, अ रिसर्चर फ्रॉम सीएसआईआर लैबोरेटरी आइसोलेटेड फोर टाइप्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स। क्या था कि एक रिसर्चर सीएसआईआर लैबोरेटरी से चार अलग अलग टाइप के प्रोटीन को एक एनिमल सोर्स से आइसोलेट किया। ही फाउंड दैट द प्रोटीन इंसर्ट इटसेल्फ इनटू द लाइपोसोम ड्यूरिंग द रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस। द फोर टाइप ऑफ प्रोटीन हैज एन टर्मिनल के पास क्या था, 24 हाइड्रोफिलिक सेगमेंट दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। एन टर्मिनल जहां पे कि 24 हाइड्रोफिलिक सेगमेंट से, जो कि आउटसाइड होता है बाहर की तरफ, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखोगे तो बाहर की तरफ एन टर्मिनल है। नाउ 20 अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक सेगमेंट ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट फ्लैंक्ड बाय द सी टर्मिनल, ठीक है, 20 अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक सेगमेंट जो होते हैं वो फ्लैंक्ड होते हैं सी टर्मिनल, एंड 30 अमीनो एसिड रेजिड्यूज इनसाइड द ल्यूमेन। इनके बीच में जो अमीनो एसिड है, ऊपर जो पाया गया है वो 24, बीच में 30, और ये जो है ये 20 है। अब ये बात किया जा रहा है कि द प्रोटीन P1, P2, P3 हैज अ साइटोसोलिक डोमेन विथ एसिडिक अमीनो एसिड रिच। P1 क्या है, ठीक है, यहीं से अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो क्या करना है, P1 जो है वो एसिडिक है, ओके, P2 क्या है, बेसिक है, P3 क्या है, एरोमेटिक है, एंड P4 क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब हाइड्रोफोबिक, और अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हाइड्रोफोबिक आना चाहिए, तो यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉन्स्टिट्यूशन किस प्रोटीन का होगा, वो होगा P4 का। किसका होगा, P4 का होगा। P4 के बाद अब किसका होगा, एरोमेटिक होगा। क्यों, क्योंकि बाकी दोनों चार्ज्ड है, और चार्ज्ड अमीनो एसिड का रिकॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है, दोनों के दोनों चार्ज्ड है। अब चार्ज्ड है तो चलो ये बहुत बढ़िया है, देखने की कोशिश करना, ये चार्ज्ड है, ये P4 के बाद P3 है, यानी नॉन पोलर के बाद एरोमेटिक है। अब सवाल ये उठता है कि बेसिक होगा कि एसिडिक होगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको चार्ज देखना पड़ेगा कि N की तरफ नेगेटिव है और C की तरफ पॉजिटिव है। बेसिक अमीनो एसिड पे चार्ज कैसा होता है, बेसिक अमीनो एसिड पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और एसिडिक पे कैसा होता है, एसिडिक पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप खुद बताओ सी टर्मिनल की तरफ, इधर की तरफ आने के लिए कौन से अमीनो एसिड अट्रैक्ट होंगे और कौन से रिपेल होंगे। पॉजिटिव वाला रिपेल होगा, पॉजिटिव वाला नहीं आएगा, जबकि नेगेटिव वाला इधर आने की टेंडेंसी रखेगा। तो एसिडिक पहले आएगा या बेसिक आएगा, डेफिनेटली एसिडिक पहले आएगा, क्योंकि एसिडिक पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो एसिडिक जो था वो आपका पहला था, सो P1 पहले आएगा, देन P2 आएगा, क्लियर है। सो P4 सबसे ज्यादा, क्योंकि वो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक था, उसके बाद एरोमेटिक आएंगे क्योंकि वो अनचार्ज थे, उसके बाद चार्ज में भी एसिडिक पहले आएगा क्योंकि वो नेगेटिव था, उसको यहां तक जाना था एन टर्मिनल से क्रॉस होके, कहां जाना था, इस हाइड्रोफोबिक ल्यूमेन में। और अगर आप इसको एन टर्मिनल से भी समझोगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बेसिक अमीनो एसिड होगा तो यहीं से इंटरेक्ट करने लगेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव वाले के लिए तो वो इधर आने की टेंडेंसी रखेगा सी की तरफ। सो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, होप कि आपको मजा आ रहा होगा। यस, मजा आ रहा है।
चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। असेंबली ऑफ बाइपोलर माइटोटिक स्पिंडल इज इसेंशियल टू इंश्योर एक्यूरेट क्रोमोजोम सेग्रीगेशन एंड प्रिवेंट एन्यूप्लॉयडी। जो बाइपोलर माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो बहुत ही सही तरीके से सेग्रीगेशन उनका बड़ा जरूरी होता है। द सीवियर माइटोटिक स्पिंडल डिफेक्ट्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द सेल डेथ। अगर ज्यादा स्पिंडल डिफेक्ट हो गया तो सेल डेथ हो जाता है। दिस ट्रांजियंट स्पिंडल ज्योमेट्री, दिस ट्रांजियंट स्पिंडल ज्योमेट्री, ये जो ट्रांजियंट स्पिंडल ज्योमेट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रांजियंट स्पिंडल ज्योमेट्री डिफेक्ट्स causes high rates of chromosome mis-segregation and aneuploidy. अगर ज्योमेट्री में कुछ डिफेक्ट होते हैं तो aneuploidy या mis-segregation की तरफ जाता है। The cell cycle is arrested. Cell cycle arrest कर लिया जाता है in the metaphase when there is a spindle defect in cell cycle. अगर कोई भी spindle defect होता है तो वहीं पे arrest कर लिया जाता है। A mutation leads the overexpression of APC even if the spindle defect is there. इनमें से ऐसा कौन सा म्यूटेशन है कि स्पिंडल डिफेक्ट होने के बाद भी एपीसी को ओवर एक्सप्रेस कराएगा? क्या आपने पढ़ा कि कौन सा म्यूटेशन होगा जो कि ओवर एक्सप्रेस कराएगा? इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, याद करना। मैंने आपको बताया था कि बब, ठीक है, बब वन एंड थ्री ये होते हैं मैड पे जाते हैं, मैड जाता है CDC20 को इनिबिट करेगा। CDC20 इनिबिट होगा तो एपीसी एक्टिव नहीं हो पाएगा। और बब टू ये ये करता है टेम वन को इनिबिट। किसको करता है? टेम वन को इनिबिट करता है। टेम वन एक्टिवेट कर रहा था CDC14 को, वो एक्चुअली एक्टिवेट करता है एपीसी को। कहने का मतलब है कि इनिबिटर कौन है, बब टू या आपके मैड या बब वन थ्री, जबकि एक्टिवेटर है CDC20। एक्टिवेटर का काम जो करते हैं एनाफेज प्रोमोटीन कॉम्प्लेक्स में, ध्यान देना, वो होते हैं CDC20, CDC14 एंड TEM1। ये जो होते हैं ये काम करते हैं एक्टिवेटर का, एपीसी का। इनहिबिटर का जो काम करते हैं वो करते हैं बब एंड मैड, ठीक है। बबलू अगर पागल हो जाएगा तो वो कभी भी एनाफेज प्रोमोटीन कॉम्प्लेक्स को लेके नहीं जाएगा, ठीक है। सो अगर इनहिबिटर को रोक दो एंड एक्टिवेटर को बढ़ा दो तो डेफिनेटली एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनने लगेगा। तो देखिए इनहिबिशन ऑफ बब टू क्या करेगा, क्या एपीसी को बढ़ा सकता है? यस इट कैन, सही है। इनहिबिशन ऑफ टेम वन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक्टिवेटर है, इसको इनहिबिट करोगे तो आगे नहीं ले जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ CDC2 यस बिल्कुल ये सही है, एक्टिवेशन कर सकते हो। ANC कहां कहां आ रहा, यही एक ऑप्शन है। बाकी देखोगे इनहिबिशन ऑफ MAD1 इनहिबिटर है तो इसका इनहिबिशन कर सकते हो, यस। एंड इनहिबिशन ऑफ CDC20 गलत है, क्योंकि एक्टिवेटर है, इसका इनहिबिशन नहीं कर सकते। MAD1 का आप इनहिबिशन कर सकते हो क्योंकि इनहिबिटर है, इनहिबिटर को इनहिबिट कर दोगे तो एक्टिवेटर का काम जो होगा बढ़ जाएगा और आराम से वो एपीसी को एक्टिव कर ले जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर एपीसी को एक्टिव कराना है तो इनहिबिशन को कम करने पड़ेगा, इनहिबिटर को कम करना पड़ेगा और एक्टिवेटर को बढ़ाना पड़ेगा। और एपीसी को कम करना हो, लेस एक्सप्रेस कराना हो, बंद करना हो, तो इनहिबिटर को बढ़ाना पड़ेगा और एक्टिवेटर को कम करना पड़ेगा। तो दीज आर द केसेस। हमेशा याद रखना कि बबलू अगर पागल होगा, बबलू अगर मैड होगा तो वो एपीसी को कम कराएगा, ठीक है। चलो होप कि मजा आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, फ्रैप टेक्निक इज अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द काइनेटिक्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द टिश्यूज और सेल्स। इट इज कैपेबल ऑफ क्वांटिफाइंग द टू डायमेंशनल लैटरल डिफ्यूजन्स ऑफ द मॉलिक्युलर थिन फिल्म कंटेनिंग फ्लोरेसेंटली लेवल प्रोब्स और एग्जामिन द सिंगल सेल्स। दीज थ्री सैंपल सेल्स आर आइसोलेटेड एंड यूज फॉर द फ्रैप टेक्निक। आइडेंटिफाई द पासेस ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन ABC। सो गाइस समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे, ये देखो कि जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है वो किस में आ रही है, ए में आ रही है। देयर इज अ टेक्निक, देयर इज अ कोड, देयर इज अ ट्रिक इन द फ्रैप टेक्निक, मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं मोटू पतलू का केस। मोटू पतलू का केस होता है जहां पे मोटू है, पतलू है, मोटू होगा तो धीरे धीरे भागेगा, पतलू है तो तेजी से भागेगा। मतलब अगर इसका फ्रैप जो है वो तेज हो रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है रिकवरी की तेज हो रही है, मतलब वो पतलू होगा, पतलू होगा तो ये जो होगा सबसे कम पास वाला होगा, दैट इज अ सी। अगर ए के बारे में बात करते हैं तो ए जो हो जाएगा सबसे कम पास का प्रोटीन होगा, दैट इज 4 पास ना। उसके बाद होगा बी, दैट इज 7 पास एंड सी बहुत धीरे 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 रिकवरी हो रही है,
है, दैट वुड बी द 12th पास। तो यानी कि 12th पास का मतलब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर पूछते तो सी मस्ट बी द बैंड 3, सी जो होता बैंड 3 होता। अगर हम बी को बोलते तो बी कैन बी द GPCR, और अगर हम बोले तो ए को हम 4 पास तो नहीं होता ग्लाइकोफोरिन, अगर हम सिंगल पास लेके चलते तो ग्लाइकोफोरिन को भी एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर सकते थे। यहाँ पे जो पासेस थे मैं अगर प्रोटीन दे देता तो उसके थ्रू भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था, मैं अगर एग्जाम्पल दे देता तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये सबसे स्लोवेस्ट होगा। यानी कि जब भी ग्राफ आप देखेंगे फ्रैप के बारे में, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं फ्रैप के बारे में, कभी भी क्वेश्चन देखे तो हमेशा ध्यान रखें कि स्लोवेस्ट जो होगा नीचे होगा और फास्टेस्ट जो होता है ऊपर होता है। फास्टेस्ट जो होगा वो ज्यादा कहते हैं कि तेजी से मूव करेगा और बहुत ही कम इमोबाइल होगा, इमोबाइल का मतलब फिक्स कम होगा, तेजी से मूव करने वाला होगा। ये 2019 में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अगर आप उठा के देख लो तो ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ये रहा क्वेश्चन ठीक है। सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन कि इन एन एक्सपेरिमेंट रेड ब्लड सेल वर सब्जेक्टेड टू द लाइसिस एंड अनब्रोकन सेल्स वर रिमूव्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन एट 800 G. The supernatant was taken and centrifuged at 1,000 G. The pellet was extracted at 5 millimolar of NaCl and again centrifuged. Which of the following protein would not be present in supernatant? इनमें से कौन है जो supernatant में present नहीं होगा? तो ऐसे questions आते रहते हैं, कभी उठा के देखोगे तो आपको दिख जाएगा। बार बार कहता हूँ कि cell में दो तरीके के proteins होते हैं, एक जो membrane में पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं integral membrane protein, क्या बोलते हैं उसको integral membrane protein बोलते हैं, और दूसरा जो सेल के बाहर साइड हो या सेल के अंदर साइड हो जिनको एक्चुअली बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोला जाता है? पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। जब भी आप ऐसे सेल को लाइस करो आरबीसी को, और आरबीसी को लाइस करो या कोई भी सेल हो, लाइस करने के बाद जब हम उसको कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन की तरफ लेके जाते हैं तो आपके पास दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है पैलेट और दूसरा मिलता है सुपरनेटेंट। पैलेट में हमेशा जो प्रोटीन मिलेगा वो मिलेगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, एंड सुपरनेटेंट में जो मिलेगा वो मिलेगा साइटोसोलिक या पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन आप यहीं पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन है कौन सा आपके पेरिफेरल है। 18 पेरिफेरल है क्या? यस पेरिफेरल है। GPCR कैसा है? ट्रांस मेम्ब्रेन। एंकाइरिन पेरिफेरल, स्पेक्ट्रिन पेरिफेरल, बैंड 3 ट्रांस मेम्ब्रेन, ग्लाइकोफोरिन ट्रांस मेम्ब्रेन। आपसे पूछा क्या कि वुड नॉट बी प्रेजेंट इन सुपरनेटेड, मतलब कि पैलेट में कौन प्रेजेंट होगा? तो पैलेट में जो प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ट्रांस मेम्ब्रेन में क्या आएगा? GPCR दैट इज B, उसके बाद आएगा E एंड F, BEF that second would be the right answer for this particular question. ठीक है? So hope कि guys आपको समझ में आया हो, मैंने most of the queries जो आपके उठाने की कोशिश करी guys, अब मजा आया होगा तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, this is the test series structure, ये test series structure है जहाँ पे कि तीन अलग अलग variety के test series है, अपने according आप choose कर सकते हो, unit wise है अगर आप unit wise जाना चाहो, और ये progress tracker test series है जहाँ पे progress track कर सकते हो आप अपनी, और एक ultimate finisher है जो अपने फाइनल प्रिपरेशन को एक फिनिशिंग टच दे सकते हो, जैसे कि धोनी देता है अपने परफॉर्मेंस में। सो आप इस टेस्ट सीरीज का कॉस्ट भी देख सकते हो, फॉर द अल्टीमेट फिनिशर 1,050 रुपीज इज देयर, फॉर द 650 फॉर द प्रोग्रेस ट्रैकर एंड 1,100 फॉर द अल्टीमेट फिनिशर। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और स्मार्ट लर्निंग एकेडमी आपके यूनिट वाइज फ्री मॉक टेस्ट भी लेके आया हुआ है, आप एक बार वेबसाइट को विजिट करें www.smartlearningacademy.in। होप कि आपको सेशन मजेदार रहा होगा, मैं आपसे फिर जुड़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम यूनिट नंबर 3 के सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे, एक्सक्लूसिवली मेड क्वेश्चंस बाय द SLA। मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी घर बैठे सीख सके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। और उसके अलावा आपको ये भी बता देता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।